एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का लर्निंग विद सुमित में, जो कि हम सबका हमारा आपका यूट्यूब चैनल है और इस पे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसी मंथ में और फर्स्ट चैप्टर जो फोर्स सिस्टम था उसको हम लोगों ने कल कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टू जो कि फ्रिक्शन है। ठीक है, तो आइए इसको आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर टू फ्रिक्शन। चैप्टर वन फोर्स सिस्टम था, इसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज फ्रिक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर आगे इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप के और डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन, जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये फ्रिक्शन होता क्या है, पहला क्वेश्चन यही आएगा हमारे माइंड में कि व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक रजिस्टिव फोर्स है, फ्रिक्शन एक रजिस्टिव फोर्स है या एक अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शन एक रजिस्टिव फोर्स या अपोजिंग फोर्स है जो हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी अगर कोई ब्लॉक है, हम एक ब्लॉक का एग्जांपल लेके फ्रिक्शन को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक बना लिया और इस ब्लॉक पे कोई पुलिंग फोर्स लगा देते हैं पी, इस ब्लॉक पे एक पुलिंग फोर्स पी अप्लाई कर दिया, पुलिंग फोर्स पी अप्लाई किया, तो होगा क्या, ड्यू टू दिस फोर्स पी ये ब्लॉक आगे की तरफ जाना चाहेगा, ये ब्लॉक आगे की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन अगर पी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है तो होता क्या है, ये ब्लॉक मूव नहीं करता, ब्लॉक ये मूव नहीं करता है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इस पुलिंग फोर्स को अपोज कर रहा है। जितना हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो वही जो अपोजिंग फोर्स है जो इस रिलेटिव मोशन को बिटवीन दिस सरफेस एंड ब्लॉक, जो इस रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यानी यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। ये हमेशा टेंजेंशियली वर्क करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एफ, या इसको मैं एफ सफिक्स आर लिख दिया, फ्रिक्शनल फोर्स को एफ सफिक्स आर लिख दिया। तो इतना आप समझ गए कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, द फोर्स विच अपोजेज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, इज ऑल इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे जो मोशन की टेंडेंसी है, यहां पे जो मोशन की टेंडेंसी है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मोशन होने जाए टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो जब हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में, तो हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। अभी फ्रिक्शन क्या है, बस आप इतना याद रखिए कि इट अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। यहां पे फ्रिक्शन को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है टू टाइप से, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब तक बॉडी रेस्ट में, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक रोल में आएगा जब तक बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इज इन रेस्ट। जब तक बॉडी में मोशन नहीं है, इस ब्लॉक में मोशन नहीं है, तब तक कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही अगर हम फोर्स पी को बढ़ाते जाएं और इसमें मान लीजिए क्या हुआ,
वे फोर्स भी इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर गया, तो इसमें क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इस बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, यानी बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में आ गई तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है, एक है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक ब्लॉक किसी सरफेस पे स्लाइड करे या एक ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक पे स्लाइड करे, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे स्लाइड कर रहा है तब भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। अगर रोल कर रहा है, जैसे व्हील है किसी सरफेस पे रोल कर रहा है, तो दोनों ये मोशन में स्लाइडिंग और रोलिंग, ये दोनों फ्रिक्शन आपके काइनेटिक फ्रिक्शन के पार्ट है। यहां मोशन में जो काइनेटिक फ्रिक्शन में आपका आएगा, अगर स्लाइडिंग कर रहा है तो स्लाइडिंग है, रोलिंग कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन है। ये बेसिक बातें हो गई फ्रिक्शन की। अब हम एक बात कर लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है। ये क्वेश्चन बनता है, एक ग्राफ बनता है स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक का। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक के बारे में बात करते हैं। मैं ये रफ कर रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू टाइप्स की दिया, स्टैटिक एंड काइनेटिक। काइनेटिक को फिर से क्लासिफाई कर रहा है स्लाइडिंग एंड रोलिंग। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, विच अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इतनी बात याद रखिएगा, ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़े हो, 11th में आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। यहां पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, फिर से एक ब्लॉक का एग्जांपल लेता हूं, इसी एक ब्लॉक का एग्जांपल लेता हूं, एक ब्लॉक का एग्जांपल लेता हूं और फिर स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है और हम इस पे पुलिंग फोर्स पी लगा रहे हैं, इसको राइट वाइड पुल कर रहे हैं। बॉडी का कुछ भी वेट होगा, बॉडी का वेट आप जानते हो डाउनवर्ड एक्ट करता है और इस सरफेस पे कॉन्टैक्ट है, बीडी आपने पढ़ा है। नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए आर है, 11th में आप लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन को एन से पढ़ा होगा, हम लोग फोर्स सिस्टम में रिएक्शन को आर से पढ़ते हुए आए, तो यहां पे रिएक्शन को हम लोग आर से ही डिनोट करेंगे। ये रिएक्शन आर है और होता क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अभी अगर हम बात करें, बॉडी पे कोई पुलिंग फोर्स नहीं है तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स तभी रोल में आता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लीजिए इस पे हमने 1 यूनिट का फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, बॉडी अगर रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं, अगर मान लीजिए मैंने पी इक्वल टू 1 यूनिट का फोर्स लगाया, बॉडी में कोई मोशन नहीं हुआ, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ये कितना होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तभी तो बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, बॉडी रेस्ट में है, मोशन नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हम पी इक्वल टू 2 अप्लाई कर दें और बॉडी में मोशन नहीं हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे अगर हम पी को बढ़ाते जा रहे हैं और बॉडी में मोशन नहीं हो रहा है, तो पी की उस वैल्यू तक जब तक बॉडी में मोशन नहीं हो रहा है हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी एक लिमिट होगी, एक समय ऐसा आएगा जब हम पी को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देंगे कि बॉडी में क्या होगा, बॉडी में अगर हम पी को कुछ भी प्लस करते हैं, पी में कुछ भी प्लस करते हैं, तो बॉडी में क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, उस केस में आपका जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, यानी उससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है। थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो बॉडी में क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या स्टैटिक फ्रिक्शन हम कह सकते हैं, मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इससे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती, इससे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल रिएक्शन। और अगर हम इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एस इक्वल टू म्यू आर, ये जो एफ एस इक्वल टू म्यू एस लिख रहा हूं स्टैटिक के लिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एफ एस मैक्स ये इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू आर, अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इस म्यू आर से कम या इसके इक्वल होती है स्टैटिक कंडीशन में। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात की जाए, जब बॉडी मोशन में होती है तो वहां पे आपका इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये कॉन्स्टेंट होता है, ये वेरी नहीं करता है, इस पे बॉडी मोशन में रहती है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ध्यान रखना स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग है, ये आपका धीरे धीरे बढ़ता है और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, म्यू एस इंटू आर। ये जो आपने पढ़ा है एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होता है, ये म्यू आर जो आपने पढ़ा है किसके लिए पढ़ा है, लिमिटिंग कंडीशन के लिए पढ़ा है, लिमिटिंग कंडीशन के लिए पढ़ा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ती है, यानी जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होता है लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होता है, लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होता है। म्यू एस इंटू आर के इक्वल कब होता है, जब ये मैक्सिमम होता है, जब आपका लिमिटिंग कंडीशन आ जाता है, एफ एस मैक्सिमम जो होता है ये होता है म्यू एस इंटू आर। हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है एफ इक्वल टू म्यू आर, वो किसके लिए पढ़ा है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए। दोनों का ये डिफरेंस है, इसको समझ के चलिएगा। अब एक ग्राफ बनाते हैं स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक का, और वहां से समझते हैं कि कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्टैटिक या काइनेटिक, या क्या होता है। रिलेशन आपसे पूछा जाता है स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक, ये मैं रेफर कर रहा हूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ी कुछ कुछ बातें हैं जो आप समझ लीजिए इस ग्राफ के थ्रू। आप समझिएगा हम एक कर्व बनाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां मैं लिख देता हूं स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स है और यहां पे वर्टिकल पे फ्रिक्शनल फोर्स है। आइए इसी ब्लॉक को ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए इस ब्लॉक पे हमने फोर्स P अप्लाई किया, इसका नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की तरफ, वेट W डाउन की तरफ डाउनवर्ड, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये पीछे की तरफ एक्ट करेगा, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो अगर हमने मान लीजिए P इक्वल टू 1 अप्लाई किया, जब हम फोर्स P इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे, बॉडी हमारी स्टैटिक कंडीशन में है, तो हमारा जो रेजिस्टिव फोर्स होगा ये कितना होगा, ये इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होगा। जब तक बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, ध्यान रखना अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स होगा, तभी तो बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होगी, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स होगा। P इक्वल टू 1 तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा 1, P इक्वल टू 2 तो फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, P इक्वल टू 3 तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिलेगा 3। जैसे जैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाते जाते हैं, सॉरी जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, डिपेंड करता है किस पे, अप्लाइड फोर्स पे। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। तो जहां तक, जब तक बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, जब तक बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, आपका P इक्वल टू क्या होगा, F सफिक्स R होगा, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या होगा,
फ्रिक्शनल फोर्स होगा स्टैटिक कंडीशन के केस में, तो वहां पे क्या होगा, हमें कुछ इस टाइप से एक लीनियर इक्वेशन मिले, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये लाइन में मिलेगी, जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ये मान लीजिए, अब इसके बाद अगर हम थोड़ी सी, अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा देते हैं, यानी पी को अब थोड़ा सा भी अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो अचानक से सडनली ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डाउन होता है, और हमें ऐसे एक कांस्टेंट लाइन मिलती है। ये कांस्टेंट लाइन, इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं है। तो अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी यहां मोशन में, और ये वाला जो हमारा केस था ये क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस था। ये हमारा ओरिजिन है। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही मिलता रहा, जिस पॉइंट तक ये सब होता रहा इसको हमने बोला ये हमारा क्या है, एफ सफिक्स एस, और ये मैक्सिमम है, यानी म्यू एस इनटू आर स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद क्या हुआ, हमें एक ये लाइन मिली, तो यहां पे एफ के आ गया इक्वल टू म्यू के इनटू आर। तो आप देख रहे होंगे ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये स्टैटिक से कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है ये सरफेस की प्रॉपर्टी है। फ्रिक्शन क्या है, सरफेस की प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स ऑन अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, आगे मैं आपको लिखाऊंगा कूलम्स लॉ फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। सरफेस की नेचर कैसी है, सरफेस की नेचर ऐसे जिग जैग, तो जिग जैग में होता क्या है, इनके बीच में स्टिकिंग होती है, इनके बीच में स्टिकिंग होती है। जब आप फोर्स लगाते हो तो इसको ब्रेक करने के लिए इनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक बार ये जो स्टिकिंग है ये ब्रेक हो जाती है, जो रफनेस है, एक बार ये ब्रेक हो गया तो आप कम फोर्स लगा के बॉडी को मूव करा लेते हो, कम फोर्स लगा के बॉडी मूव करती है। तो आपका ये जो रीजन था ये स्टैटिक रीजन था, इसके आगे आपका क्या है, ये काइनेटिक रीजन आता है। इसीलिए देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है Fs इक्वल टू म्यू एस इनटू आर, वो म्यू के इनटू आर से ज्यादा है, इसका कर्व ऊपर तक जाता है। फिर अचानक से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपका फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये कर्व है स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक का। यहां तक आपका अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए जो है आपको यहां सीधी लाइन मिल रही है और बॉडी स्टैटिक कंडीशन में। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिट होगी, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद आप थोड़ा सा भी जब फोर्स लगाओगे तो बॉडी में क्या होगा, मोशन आ जाएगा, उसके आगे फ्रिक्शनल फोर्स रजिस्ट नहीं कर पाता। और जब मोशन आ जाता है तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन मिलता है, जो कि उस मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो है कह सकते हो लिमिटिंग कंडीशन। आप लिमिटिंग कंडीशन पहुंच गए, तो एफ लिमिटिंग का बड़ा रोल है। यही हम लोग पढ़ते थे कि एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इनटू आर होता है। बाकी फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक जो है उससे कम वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स कितना है। तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रिक्शन, उसमें बस यहीं पर रखते हैं। हम लोगों ने फ्रिक्शन की डेफिनेशन सीखी, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस के एरिया से इसको कोई मतलब नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस के नेचर पे। और एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतनी बातें आप याद रखिए। अब कल जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए, उसमें हम लोग बात करेंगे कि कूलम्स लॉ फ्रिक्शन क्या है, उसमें हम लोग बात करेंगे कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और उसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है।
ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक कल आपके लिए हम लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियोस देखते रहिए, छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाता हूँ, सिलेबस पूरा कवर करूंगा ये आपको हर एक वीडियो में आपसे कहता हूँ। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। थैंक यू।